मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज यानी कि बुधवार को औपचारिक रूप से कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में पद संभाल लिया है। पार्टी की ओर से आयोजित भव्य कार्यक्रम में सोनिया गांधी के अलावा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुए। खड़गे को पार्टी की कमान सौंपते हुए सोनिया गांधी ने कहा, आज मैं बड़े दायित्व से मुक्त हो रही हूँ। खड़गे को पार्टी की कमान सौंपते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि खड़गे से पूरी पार्टी को प्रेरणा मिलेगी और उनके नेतृत्व में कांग्रेस लगातार मजबूत होगी। उन्होंने कहा, मैं पार्टी के नए अध्यक्ष खड़गे जी को बधाई देती हूँ। सबसे अधिक संतोष की बात इस बात का है कि जिन्हें अध्यक्ष चुना है वे एक अनुभवी और धरती से जुड़े हुए नेता है। एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए अपनी मेहनत और समर्पण से इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। इससे पहले कांग्रेस के नव निर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बुधवार को औपचारिक रूप से निर्वाचन पत्र सौंपा गया और इसी के साथ उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया। पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने खड़गे को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा। इस मौके पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल, केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के सदस्य राजेश मिश्रा, अरविंदर सिंह, लवली और ज्योति मणि भी मंच पर मौजूद रहे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष और पार्टी के कई अन्य पदाधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित थे। पदभार ग्रहण करने से पहले खड़गे ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद खड़गे के सामने एक तरफ राजस्थान का सियासी संकट तत्काल चुनौती बनकर खड़ा है, तो अगले कुछ हफ्तों में होने जा रहे गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी बड़ी चुनौती है। वही 2024 का लोकसभा चुनाव उनके लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले 80 वर्षीय बुजुर्ग नेता खड़गे ने 17 अक्टूबर को हुए ऐतिहासिक चुनाव में अपनी प्रतिद्वंदी 67 वर्षीय शशि थरूर को मात दी थी। पार्टी के 137 साल के इतिहास में छठी बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था। इसमें 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी 24 वर्ष बाद गैर गांधी खड़गे को पार्टी की बागडोर सौंप दिया। पदभार ग्रहण करने से पहले खड़गे ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद राहुल गांधी पहली बार दिल्ली में कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में शामिल हुए। वो 27 अक्टूबर से फिर से यात्रा में शामिल हो जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों तेलंगाना में है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असमादित्य।